जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ आज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जिसमें हम नेक्स्ट आने वाली न्यूज़ देखेंगे। इस वीक में क्या है, नेक्स्ट मंथ में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको क्रिप्टो के देखने को मिलेंगे, उस पर इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो में बाद में बनाऊंगा। तो अभी तक जो वीडियो ज़्यादातर चल रही हैं वो टोकन 2049 सिंगापुर, ये एक हॉट न्यूज़ चल रही है, आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 अपकमिंग इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कॉइन्स विद पोटेंशियल में आप चेक कर सकते, सिग्निफिकेंट यहाँ पे जेड के ब्रिज चेक कर सकते हैं, और उसके बाद बेल नेट लॉन्च आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और उसके अलावा इस वीक में जो न्यूज़ हैं इसमें कोई इतनी खास इंपैक्ट वाली न्यूज़ ये हो सकती है थीटा, इसको आप लाजम कीजिएगा। 3.4 का अपग्रेड होने जा रहा है सिंगापुर टोकन, ठीक है। सेलो टोकन जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं, तो जिनके ऊपर वोट ज़्यादा हों वो न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डाल देती हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करना है इनको समझते हुए चलना है। इसके बाद अगर आज की मैं न्यूज़ की बात करूँ यहाँ पे investing.com के ऊपर, तो यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कोई इतनी खास हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिली जिसका भी मार्केट के ऊपर इतना इंपैक्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉरेक्स की, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली है जिसको हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हो भी सकता है इन फ्यूचर के अंदर, और आज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। अचानक से मार्केट ने पंप की है, गोल्ड ने पंप की है, और उसके अलावा डॉलर लेकिन अभी तक नहीं गिरा है। डॉलर जब तक प्रॉपर वे में नहीं गिरेगा आप लोग इसमें सेल की तरफ नहीं जा सकते, तो बाकी चीज़ें आप बाय की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे जब तक डॉलर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ते। लेकिन डॉलर का भी जितनी भी करेंसी देख लें उनका क्वार्टरली वहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो बढ़ रहा है, क्वार्टरली लेके चल रहे हैं, लेकिन डॉलर में पता नहीं क्यों उसको इतना पम्प किया जा रहा है कि उसके इंटरेस्ट रेशियो बढ़ाया जा रहा है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेड भी उसको आगे बुलिश कर रहा है, हर बंदा उसको बुलिश करने के चक्रों में जो अमेरिका से बिलोंग करता है, ठीक है, FOMC है उसमें बुल करने के चक्रों में है। तो उसको मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा दूंगा उसके आगे हमें किस चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना चाहिए और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले DXY हम यहाँ पे देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए कि डॉलर आज, मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से डॉलर को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, लेकिन अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर आप लोग यहाँ से मजीद आप ट्रेंड का देख सकते हैं, लेकिन इसकी करेक्शन इस लेवल तक बनती है। इसकी जो करेक्शन है मैंने कल आप लोगों को बताई थी, ये आज जो इस वक्त है वो है तकरीबन 113 पे, इसका इस लेवल पे आना बनता है जो कि कम से कम इसको हो सकता है 111-110। अगर ये इस पे आता है तो आपको बाकी बिटकॉइन और बाकी डिफरेंट जो इसके अगेंस्ट पेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेंगे जिनमें लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने बात को मद्देनज़र रखते चलना है अगर आप लोग इसमें ओरिजिनली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो अभी तक का अगर मैं यहाँ तक एनालिसिस परफॉर्म करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी एक छोटी सी सपोर्ट नज़र आ रही है 113 की। अगर इसको सपोर्ट मान के ऊपर निकल जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ऊपर ही होंगे और फिर हमें मार्केट मज़ीद क्रैश करते नज़र आएगी, जैसे गोल्ड हो गया और इसके अगेंस्ट पेयर हो गया, यूरो हो गया, GBP USD हो गया, वो सारे हमें क्या करेंगे डाउन जाते नज़र आएंगे। तो उन्हीं के साथ साथ फिर कहीं ना कहीं आपको BTC भी थोड़ा बहुत डाउन आते नज़र आएगा। अच्छा, BTC का मैंने कल का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मैं अगेन आज उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, और उसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये मैं BTC का ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, BTC का मैंने कल आप लोगों को कहा था कि BTC ने यहाँ पे अपना क्या किया, एक चैनल को ब्रेक किया, और चैनल ब्रेक करने के बाद BTC ने क्या किया, अगेन रीटेस्ट करने आया। तो कल की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आपको मिला है, ये ब्रेकआउट अगर आप लोगों को मिला, रीटेस्ट आपको इस लेवल पर इससे थोड़े से नीचे स्टैंड लाइन पर लास्ट में मिलेगा, ये जोन भी आपका रीटेस्ट का हो सकता है। तो जिन लोगों ने इसको प्रॉपरली फॉलो अप किया वो लोग इस वक्त प्रॉफिट के अंदर मौजूद होंगे, तो जिन लोगों ने फॉलो अप नहीं किया तो वो लोग नेक्स्ट इंट्रीज उनको मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं। मार्केट में मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद होते, कहीं से भी मार्केट को पकड़ना सीखें। इस वक्त जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आप लोग, इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसको यहाँ से लग के जाना इस लेवल तक चाहिए 21,400 तक, फिर हम यहाँ से डाउन ट्रेंड देखेंगे। अगर डॉलर वीक होता आ रहा है तो फिर ये इस लेवल तक इजीली जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बेस में यहाँ पे बता पाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक इसके जो जाने के चांसेस हैं वो 60% है इस वक्त, यहाँ से इस लेवल पर आने के चांसेस 40% हैं। मार्केट रेंज बाउंस में मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, लेकिन आपके आप लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं वो आप लोगों ने मेक श्योर करना है वो इस एरिया के नीचे पड़े हो, इस एरिया में पड़े हो आपके स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बाइक एंट्री लेके इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, ऊपर वाले लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ BTC का। अच्छा, BTC की यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम आज की बात करें तो वो मैं आप लोगों को निकाल देता हूँ कि आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस BTC के क्या हैं। आज की जो सपोर्ट है BTC की वो है 18,702,
आज की जो रेजिस्टेंस मार्केट में हो सकती है वो 19,557 हो सकती है। अगर ये ब्रेक होते आप लोगों को मजीद बीटीसी बुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा बीएनबी की, और बीएनबी में देखेंगे इस वक्त मार्केट में क्या होने जा रहा है। अच्छा, बीएनबी ने भी सेम वही बिहेव किया जैसे हमें कल देखने को मिला था। तो क्या बिहेव यहाँ पे बीएनबी का निकला, बीएनबी भी प्रॉपर क्या कर रहा है, जिस चैनल को ब्रेकआउट मार्केट के अंदर दिया था लेकिन उसको प्रॉपर वे में ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सका, ठीक हो गया। मार्केट अगेन क्या करके उसको ब्रेक करके नीचे आ चुकी है, और नीचे आने के चांसेस इसने बहुत ज़्यादा बना दिए मार्केट ने इस वक्त। तो बाकी अब देखते हैं कि इस वक्त क्या आप लोगों के यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही है बीएनबी के अंदर। तो बीएनबी अगेन आपकी बाइंग जोन के अंदर ही है क्योंकि इसका एक बाइंग एरिया है, यहाँ से आप लोग बाय करके इजीली आप लोग होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। लेकिन अभी मार्केट के डाउन ट्रेंड का शिकार है, तो जब तक आप लोगों को प्रॉपर वे में ये वाला पैटर्न ब्रेक होता दिखाई ना दे, इस लेवल से ऊपर आप लोग बाय कीजिएगा, ठीक है। इस लेवल से ऊपर आप लोग बाय कर सकते, 280 के ऊपर 300 तक आप फिर होल्ड कर सकते हैं। इससे नीचे आप लोग आए तो ये एरिया आपका बाय का होगा, ये एरिया आपका बाय का होगा, ठीक हो गया। इस एरिया में खड़ा है, यहाँ पे आपकी बाइंग नहीं बनती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट हुई है। पहले सपोर्ट थी, इस वक्त एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अब चलेंगे हम यहाँ पे इथेरियम की जानिब, इथेरियम में देखेंगे इथेरियम में इस वक्त क्या हो रहा है, और फिर हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है इथेरियम की। अच्छा, इथेरियम की अगर मैं बात करूं तो इथेरियम इस वक्त स्ट्रांगली बियर है क्योंकि इसका प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा चुका है। तो मार्केट में उस न्यूज़ की भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मौजूद है, अभी तक उसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन ये नहीं कि यहाँ से बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोग यहाँ से एक जंप यहाँ तक देखें, फिर यहाँ से सेल का ऑप्शन दे, फिर आप लोगों को बाय की तरफ जाते दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता आप लोगों ने बाय की तरफ नहीं जाना 1349, और जब तक 1263 को ब्रेक नहीं करता सेल की तरफ नहीं जाना, इस रेंज में आप लोगों ने कोई ट्रेड एक्टिव नहीं करनी। इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, ये आपकी स्ट्रेटेजी इस वक्त हो सकती है इथेरियम के अंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। जो लोग प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग कोर्स करना चाह रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और जिन लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है वो लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और एक्सएनएक्स का लिंक मौजूद है, अकाउंट को क्रिएट करें, वेरीफाई करें और आके फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, आपका होस्ट राहिल राजपूत।